बहुत सुंदर है। थैंक यू। यू संध्या राइट? या हाय। ये श्रुति है, अपने किशोर की साली। ओह हाय अरुण, शी इज ब्यूटीफुल। आई नो। थैंक यू। यू नो संध्या, यू वेरी लकी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी अरुण से हो। एग्जाम के बाद मैं इसे प्रपोज करने ही वाली थी। माय बैड लक, मैंने मौका मिस कर दिया। संध्या वो मजाक कर रही है, तुम कॉफी बनाओ ना। हाँ। hey, रुको संध्या, अरुण हमेशा तुम्हारे हाथ की कॉफी पीता होगा ना। हाँ। आज मेरे हाथ की पिएगा। हाँ, क्यों नहीं। किचन कहाँ है? उस तरफ। ओके। अरुण, ये लड़की कौन है? कहा ना, किशोर की साली है। जानती हूँ, पर उसे यहाँ क्यों लाया? संध्या, कॉफी रेड बॉक्स में है ना? हाँ, वही है। मेरे जॉब का पहला दिन है और पहले दिन नाइट शिफ्ट लगी है। तुम्हें अकेले ना रहना पड़े इसलिए उसे यहाँ लिया। सिर्फ एक हफ्ते का सवाल है। संध्या, ये व्हाइट बॉक्स शुगर का है ना? हाँ। एक हफ्ता? नो वे। मैं लाइट बंद करके सो जाया करूंगी। दिन में जब तुम ऑफिस जाते हो तब मैं अकेले ही रहती हूँ ना, मुझे आदत हो चुकी है। इसे वापस भेज दो। संध्या, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी मजाक ही है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। वैसे सच कहूं तो संध्या, कॉफी तुम्हें मेरे लिए बनानी चाहिए थी। एक बात कहूं संध्या, प्रेगनेंसी के वक्त तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। अरुण, कॉफी कैसी बनी है? हाँ, बहुत अच्छी बनी है। बिना पिए तुम्हें कैसे पता चला? अरुण के चेहरे से पता चला कि कॉफी बहुत अच्छी। तुम इसे अपना कमरा दिखाओ ना। हाँ, श्रुति कम। श्रुति, इस तरफ। मुझे ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर वाला रेड वाला बेडरूम चाहिए। इसने तुम्हें पहले कॉफी पीने नहीं दी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। देखो, तुम्हारे लिए सीढ़ियां भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाओ। देखा तुमने, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने ही तो कहा था कि संध्या का बेडरूम सबसे अच्छा है। I always prefer your taste, right? मैंने इसे इस तरह से नहीं कहा, मेरी बात तो सुनो। इंडियाना हॉरर, I love it. कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूला। संध्या, संध्या सुनो तो, संध्या, 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 मुझे लगा तुम साड़ी में हो। वो मेरी साड़ी पहनेगी तो क्या वो मैं बन जाएगी? पीछे से मैं कैसे पहचानूंगा ना? उसका बैक शेप मेरी तरह है। पर तुमने उसे अपनी साड़ी दी ही क्यों? उसने मांगी तो मैंने दे दी, गलत किया क्या? उसी से तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना मेरा। शट अप संध्या, प्लीज ना, गो टू हेल। उसकी तरह तैयार होने से नहीं चलेगा, चाल भी वैसी होनी चाहिए। कमिंग बेबी। देखती हूँ वो मेरे पास आता है या उसके पास जाता है। आज इतनी हॉट लग रही हो कि ऑफिस जाने का मन ही नहीं करा। संध्या का ख्याल रखना, ठीक है? हाँ।
अरुण को प्रपोज करने वाली थी और अरुण है उसे मेरा ख्याल रखने को कहता है और किस भी करता है। अरुण उसे मेरा ख्याल रखने के लिए लाया है या फिर ये अरुण को मुझसे छीनने आई है। मेरे सामने इन दोनों का ये सब चल रहा है और मैं नहीं रहूंगी तो सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, तुम अभी तक नाराज हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि मेरी संध्या श्रुति बनने की कोशिश करें। मैं उसी लड़के से प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी हुई है और जो मुझसे प्यार करती है। संध्या मेरी है और मैं संध्या का हूँ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें श्रुति को देखकर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है और श्रुति एक अच्छी लड़की है। चलो अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय। अरुण तो अच्छा है पर उस लड़की की नीयत अच्छी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की खुद यहाँ से भाग जाए। 10 सालों तक मानस सरोवर में ध्यान साधना करने वाले महाज्ञानी महापुरुष सोमनाथ बाबा सिद्धि प्राप्त करके कल ही अपने आश्रम वापस आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विश्व के सारे लोग सुखी रहे यही मेरी तपश्चर्या का उद्देश्य था और लोगों का दुख हरने और उनकी मदद करने के लिए तो मैं आया हूँ। बाबा ये बताइए कि लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के कई माध्यम हैं, जैसे कि आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर या कॉल भी कर सकते हैं। बाबा आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? टेक्नोलॉजी का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, इंसान इसे अब समझने लगा है। ध्वनि तरंगों के जरिए बात करना, यूनिवर्स में सैटेलाइट्स छोड़ना, ये 3G 4G का निर्माण ईश्वर ने बहुत पहले ही कर दिया था जिसका इस्तेमाल इंसान अब करने लगा है। इंसान अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो लेकिन वो ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, एक तिनका भर भी नहीं। नमस्कार, अगर आपकी कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। खुशी की बात यह है कि बाबा 2 दिनों के लिए आपके शहर आ रहे हैं और आपका इंतजार खत्म हो रहा है। हाँ बोलो श्रुति। अरुण तुम जल्दी से घर आ जाओ। हे, क्या हुआ? तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्या? मैं समझ नहीं आ रहा, अभी के अभी घर आ जाओ प्लीज। 2 घंटों में मेरी शिफ्ट वैसे भी खत्म होने वाली है। तुम जल्दी से यहाँ जाओ। हेलो हेलो, श्रुति शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ फिर बताओ मुझे। किचन का टैप अपने आप खुल गया। हाँ, हाँ, ओके। तो मैंने बंद कर दिया पर बिजली भी चली गई। मैंने मोमबत्ती जलाई और ऊपर के कमरे में गई तो अचानक मेरी परछाई ही गायब हो गई। परछाई कैसे गायब हो सकती है अरुण? श्रुति किचन का टैप खराब हो चुका है, उसे रिपेयर करना है, टैप को चेंज करना है, कल प्लम्बर आकर ठीक कर देगा। उसमें लेकिन परछाई का क्या? श्रुति आर यू ओके? कुछ देर पहले इसने मुझे फोन किया था। हाँ, ये बहुत डरी हुई थी, इसे ले जाऊं? ठीक है ले जाओ, गो गो गो, आओ चलो। अरुण जितनी जल्दी हो सके तुम ये घर छोड़ दो।